गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू? इट इज उदय सर फॉर यू, एंड इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू नो अबाउट द वेरियस फीचर ऑन द अर्थ सर्फेस। एज यू नो दैट आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, बट द कंडीशन ऑफ लैंड, इट मीन्स द फीचर ऑफ लैंड एंड वाटर इज नॉट सेम एवरीवेयर। पृथ्वी जो बनी है वो लैंड और वाटर से बनी है, लेकिन ये जो इसके फीचर्स हैं जिसको हम लैंड की बात करते हैं, तो जो लैंड फॉर्म्स होते हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, वो सेम नहीं है। तो सबसे पहले जब कैटेगराइज किया जाता है तो जो बड़े बड़े जो पार्ट होते हैं, दो वर्ड हमारे सामने आते हैं और ये दो वर्ड है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। और अब ये कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस क्या है? तो कॉन्टिनेंट का मतलब होता है लार्जेस्ट मास ऑफ लैंड, जो विशाल भू क्षेत्र होता है, जो स्थल का विशाल स्थल भाग होता है, उसे कॉन्टिनेंट कहा जाता है। द लार्जेस्ट मासेस ऑफ वाटर ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट, एंड वी हैव 7 कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर कुल 7 कॉन्टिनेंट हैं, और 7 कॉन्टिनेंट एशिया है, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। वेन वी थिंक अबाउट ओशियंस, लार्जेस्ट वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। जल भाग, जो सबसे बड़ा जल भाग होता है, इसे तालाब भी होता है, कुआं भी होता है, नदी भी होती है, बट द लार्जेस्ट जो होता है उसे हम लोग ओशियन या महासागर कहते हैं। और देयर आर 5 ओशियंस ऑन द अर्थ, विच आर द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। 5 ओशियन के नाम जब हम जानना चाहते हैं तो नाम है, आप ध्यान से सुनेंगे, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, द अंटार्कटिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन। तो ये तो लार्जेस्ट क्लासिफिकेशन हो गया। जब हम लैंड की बात करते हैं, लैंड फीचर्स की बात करते हैं, तो जो लैंड है वो हर जगह एक बराबर नहीं है। कहीं कहीं ये माउंटेन के रूप में है, माउंटेन का मतलब हाई लैंड विथ टॉप, विथ पॉइंटेड पीक टॉप, जो एकदम हाई लैंड होता है लेकिन वो पॉइंटेड टॉप, ऊपर की तरफ अगर नुकीला है, दिस इज माउंटेन। सेकंड जो होता है वो प्लेट्यू होता है। प्लेट्यू भी एक हाई लैंड होता है, पठार होता है, बट उसका टॉप जो होता है वो फ्लैट होता है, जस्ट लाइक दिस। यहां आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर होता है ये पठार है। जैसे आपने तिब्बतन प्लेट्यू का नाम सुना होगा, इंडिया की जब हम बात करते हैं, जो मिडिल जो है वो पठार जो है, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू जिसे हम कहते हैं, वो पठार है जो हाई होते हैं बट फ्लैट होते हैं ऊपर से। उसके बाद जो प्लेन्स होते हैं, फ्लैट लैंड, जो फ्लैट लो लैंड्स होते हैं जिस क्षेत्र में, जैसे हम लोग जो रहते हैं, जैसे हमारे खेत हैं, चारों तरफ एक बराबर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, तो इस तरह का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग प्लेन्स कहते हैं। तो ये अर्थ लैंड स्ट्रक्चर में आता है, माउंटेन है, उसके बाद ये प्लेट्यूज है और प्लेन्स है। लेकिन एक और चीज़ें आती है, कहीं कहीं जो माउंटेन्स होते हैं उनके बीच में खाली स्थान होते हैं, लो लैंड्स होते हैं, और ये जो लो लैंड्स होते हैं माउंटेन के बीच में, जो लो लैंड, दैट इज कॉल्ड वैलीज, इसे हम वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो ये लैंड स्ट्रक्चर है। उसके बाद कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे जब आप इंडिया का मैप देखेंगे, तो इंडिया के मैप में जब आप श्रीलंका को देखते हैं, इट इज अ लैंड पार्ट इन वाटर पार्ट, एंड सच लैंड आर कॉल्ड आइसलैंड्स। जब कोई वाटर बॉडी, जब कोई लैंड मास चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ हो, उसे हम लोग आइसलैंड कहते हैं, टापू कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और अगर इस तरह के कई द्वीप एक साथ इंटरकनेक्टेड हो, इट मीन ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स क्लोज टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड आर्चिपेलागो। व्हेन वी थिंक अबाउट द अंडमान एंड निकोबार, दिस इज नॉट ए सिंगल आइसलैंड, दिस इज ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। तो इसको हम लोग द्वीप समूह कहते हैं, अंडमान निकोबार है। उसके बाद जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब लैंड स्ट्रक्चर है वाटर बॉडीज की, तो एक और नाम आता है, इसे हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। और पेनिनसुला, इट मीन्स इन हिंदी इट इज कॉल्ड प्रायद्वीप। और ये जो प्रायद्वीप है, जैसे कहा हमने कि द लैंड मास सराउंडेड बाई वाटर इज आइसलैंड, बट वेन द लैंड मास इज सराउंडेड बाई वाटर विद इन ओनली 3 साइड्स, देन इट इज कॉल्ड पेनिनसुला। इट मीन्स वेन यू थिंक अबाउट द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अगर आप बात करते हैं साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, जहाँ इधर आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, इधर आपको अरेबियन सी मिलेगा, और इधर आपको इंडियन ओशियन मिलेगा। तो
तो ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो इस तरह का जो लैंड स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग प्लेट पेनिनसुला कहते हैं, इसको हिंदी में प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इसलिए वीडियो है, इसमें यही सारे स्ट्रक्चर आपको जानने थे। इसमें जो मेन चीज़ें हमने बताई, सबसे पहले हमने आपको कॉन्टिनेंट के बारे में बताया, लार्जेस्ट मास ऑफ लैंड। हमने आपको ओशंस के बारे में बताया, लार्जेस्ट वाटर बॉडीज। हमने आपको माउंटेन्स के बारे में बताया, हाई लैंड विथ पॉइंटेड टॉप। फिर प्लेट्यू आया, हाई लैंड्स विथ फ्लैट टॉप। फिर प्लेन आया, लो फ्लैट लैंड्स। हाँ, एक और जो चीज़ छूट रही है, उसके अलावा हमने आपको वैली आर्किपेलागो जो पेनिनसुला के बारे में बताया। एक और स्ट्रक्चर जो लैंड रिलीफ से जुड़ा हुआ है, दैट इज डेजर्ट, रेगिस्तान, मरुस्थल। इट मीन्स अ वास्ट एरिया वेयर देयर इज नो वेजिटेशन इज कॉल्ड डेजर्ट। एक विशाल भूक्षेत्र में जब कहीं कोई वनस्पति नहीं दिखती है, नो ट्रीज, नो प्लांट्स, इट मीन्स देयर इज नो लाइफ देयर, दिस इज कॉल्ड डेजर्ट। जैसे अगर हम भारत के वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो आपने थार डेजर्ट का नाम सुना होगा, ये डेजर्ट यानी रेगिस्तान में आता है। तो इस लेक्चर में हमने आपको कुछ जो रिलीफ फीचर्स हैं उनके बारे में बताया, लैंड स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। इसको आप ध्यान से सुनेंगे और फिर अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।